भाई खर्च चुका हूँ बहुत ज़्यादा, हाथों में डाउन और हमारा दूसरा वाटरफॉल आ गया भाई, फिर से आ गया तेरा भाई नहाने के लिए। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो सब तुम। मैंने एक नया ब्लॉग फिर चालू कर दिया, एक नए साल के साथ। मैं हूँ अभी कसोल में मणिकरण के गुरुद्वारे के सामने और मैं ट्रैक करने वाला हूँ अभी खीर गंगा का। बस अब वेट कर रहा हूँ बस का जो इधर से थोड़ी देर में आने वाली है। तो भाई खीर गंगा के लिए भाई ने गाड़ी मिल गई हमें। और भैया कैसे हो? हाँ ये कर लो पहले। क्या नाम है भैया आपका? कुणाल। हाँ भाई ने भाई छोड़ देंगे आप मुझे, ये परेशानी ना वैशाली तक छोड़ देंगे, वहाँ से अपने ट्रैकिंग चालू करेंगे खीर गंगा की और फिर अपने नज़ारे लेते हुए फिर चलेंगे। दो तीन वाटरफॉल मिलेंगे रास्ते में, बाकी नज़ारा देखो भाई क्या मतलब। चलो हम मिलते हैं ट्रैकिंग पे। ओ भाई इस बार मैं वीडियो के मकसद से नहीं इन्जॉय के मकसद से आया हूँ यहाँ पे खीर गंगा ट्रैक पे, और जितना भी इन्जॉय का सामान है मैं ले लिया है, नमकीन पेप्सी वगैरह। बस वाटरफॉल पे रुक के आराम से इन्जॉय करेंगे। और भाई क्या नज़ारा आ रहा है देखो भाई, ऊपर बर्फ़ दिख रही है आपको, खीर गंगा से और भी पास दिखेगी। और जो भी सामान चाहिए हो थोड़ा बहुत ले लेना यहाँ पे, क्योंकि बीच में कैफ़े वगैरह थोड़ा सामान महंगा मिलता है, बाकी कोई नहीं थोड़ा बहुत कॉस्ट का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो पार्वती नदी कितनी बढ़िया जा रही है यहाँ से, तो चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो यार शुरू हो गया खीर गंगा ट्रैक, 2 किलोमीटर चल चुका हूँ नीचे से ऊपर तक, इसे थोड़ा थक गया हूँ। बाकी भाई इस तरह की पूरी खड़ी चढ़ाई ऊपर तक, देखते हैं वाटरफॉल वगैरह भी बहुत मिलेंगे देखने को और उसमें नहाने को भी मजा लेंगे। नज़ारे देखो भाई यहाँ से कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो यार इंजॉय करते हुए अभी ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर हुआ है मेरा अभी, बाकी देखो थकान तो हो ही जाती है, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है। क्या नज़ारे हैं और ट्रैकिंग करने में खूब मज़ा आ रहा है भाई, मेरा सेकंड टाइम ट्राई भी ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो यार छोटा झरना आ चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और थोड़ा बहुत इन्जॉय मैं यहाँ पे लूँगा। देखो ये नज़ारे देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो है छोटा झरना, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। नहाएंगे नहाऊँगा तो नहीं, वैसे नहाऊँगा तो मैं बड़े वाले झरने के नीचे ही, यहाँ पे बस थोड़ा इन्जॉय ले लूँगा, हाथ धुंध हो के पानी में पैर डाल के आधे घंटे का रेस्ट। बाकी रास्ता बड़ा भाई, ट्रैकिंग जो यहाँ की है ना बड़ी बढ़िया है भाई, ये समझ लो फुल इन्जॉय आने वाला है इस ट्रैकिंग में, खीर गंगा की ट्रैकिंग में। बहुत वीडियो आप देख चुके होंगे, बाकी जो देखो लकड़ी का पुल जहाँ से लोग जा रहे हैं इस पुल पर, नेक्स्ट टाइम आए पिछली बार मैं आया था जब मैंने यहाँ पर फोटो भी खिंचवाई थी। भाई सब चलते हैं यहाँ पे, लेते हैं इन्जॉय और 2-3 बनाएंगे रील्स। तो यार नहाने का स्नैप बन चुका है अभी, और ये है वाटरफॉल जो अभी, ये छोटा वाटरफॉल है जो नहा रहा हूँ मैं इसमें अभी, और इसका आगे का बड़ा। चलो इस जगह डुबकी और मारी लेते हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, 50 से ज़्यादा लोग होंगे तो ट्रैकिंग कर रहे हैं ग्रुप के हिसाब से, बाकी खूब मज़ा ही आ रहा भाई। चलो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं फिर से आगे चले, बाकी चलो इनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे करना लो। भाई थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, हाथों में डाउन और हमारा दूसरा वाटरफॉल आ गया है जो इधर मैं आप नहाऊंगा सेकंड टाइम। ये वाला वाटरफॉल बहुत बड़ा है और बस अभी दिखा रहा हूँ कितना मस्त वाटरफॉल है, ये नज़ारे हैं वाटरफॉल के। भाई फिर से आ गया तेरा भाई नहाने के लिए, ठंडे ठंडे चिल्ड पानी में भाई क्या बात है, गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है, पानी एकदम चिल्ड है चिल्ड, कितना चिल्ड हो तो अलग ही मजा आ जाएगा। भाई इसका आगे पता ना आ गया। अच्छा गोपुर Wow! Beautiful!